तो यार अभी जिस वीडियो को आप अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे देख रहे हो गाइस, मैं आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है दोस्तों इंस्टाग्राम रील्स पर काफी ज्यादा वायरल हुआ है और मैं उसी वीडियो को देख के वहाँ पर बगल में आप जिस वीडियो को देख रहे हो उसी वाले वीडियो को एडिट किया हूँ। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको कुछ इसी प्रकार का वीडियो एडिट करना सिखाने वाला हूँ। इस तरह का वीडियो बनाने के लिए आपको सबसे पहले मोबाइल को आपको कुछ इस तरह से आपको नीचे एंगल में आपको रख लेनी होगी। उसके बाद आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से जंप करके एक्टिंग करके वीडियो को शूट कर लीजिएगा। देख सकते हैं यहाँ पर मैं जिस प्रकार से आपको दिखा रहा हूँ सेम टू सेम कुछ इस तरह से आप एक्टिंग करके वीडियो को शूट कीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आपका जो मोबाइल का एडिटिंग सॉफ्टवेयर है काइन मास्टर, उसको आपको ओपन करना है। उसको ओपन करने से पहले आप अगर अपने भाई को नहीं जानते हो तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम है विद्युत और मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके और हमारे YouTube चैनल जे सरकाउंडा में। गाइस अगर आप मुझे बकते हुए पहली बार सुन रहे हो तो आपको इस वाले वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखेगा, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके आप वहां पर ऑल भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। जब भी दोस्तों मैं इस तरह का वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन दोस्तों आपको तुरंत से मिलेगा। अब गाइस बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक करके चलिए आपका जो मोबाइल एडिटिंग सॉफ्टवेयर है काइन मास्टर उसको ओपन कर लीजिए। मैं जाकर आपको आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा स्मार्टफोन का काइन मास्टर ऐप है उसको मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। अब फ्रेंड्स आपको राइट साइड में जो एक मीडिया का ऑप्शन दिख रहा होगा देख सकते हैं, आपको इस वाले मीडिया के ऑप्शन पे क्लिक करके अपना गैलरी को ओपन करना होगा और यहाँ से दोस्तों आपका जो रिकॉर्डिंग किया वीडियो है उस वाले वीडियो को फ्रेंड्स आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरा रिकॉर्डिंग किया वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। सबसे पहले दोस्तों आपको इस वाले वीडियो का जो ऑडियो है आपको यहाँ पर म्यूट कर लेनी होगी ताकि दोस्तों इस वाले वीडियो में बाहर का कुछ भी ऑडियो ना रहे। अब गाइस आप अपने वीडियो में कुछ इस तरह से फर्स्ट रैप आप आ जाइएगा। आने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो फर्स्ट में ही जिस जगह पर मैं एक्टिंग किया हूँ उस जगह का खाली बैकग्राउंड का एक पार्ट है। तो गाइस मुझे इस वाले खाली बैकग्राउंड का एक फोटो कैप्चर करनी होगी। तो फोटो कैप्चर करने के लिए दोस्तों आपको इस वाले बॉक्स में क्लिक करके फर्स्ट वाले ऑप्शन पर सिलेक्शन कर देना होगा। जैसे आप इसमें सिलेक्शन करते हैं कुछ इस प्रकार से दोस्तों इस जगह का फोटो आपके गैलरी में एक सेव हो गया है। अभी दोस्तों आपको अपना वीडियो को प्ले करना है और प्ले करके दोस्तों आप जितना दूर तक एक्टिंग किए हो उतना दूर तक वीडियो को जो है आपको यहाँ पर सिलेक्शन कर लेनी होगी। तो साथियों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो इतना दूर तक मैं अपने वीडियो में एक्टिंग किया हूँ और बाकी के हिस्सा को दोस्तों मैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से फाइल में क्लिक करूँगा सीजर की हेल्प से। यहाँ पर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पर मैं हटा लेता हूँ। हटा लेने के बाद दोस्तों आपको अपने वीडियो में कुछ इस तरह से फर्स्ट तरफ आपको आ जाना होगा। आने के बाद दोस्तों आपको इस वाले लेयर में क्लिक करना है, मीडिया का ऑप्शन पे क्लिक करके अपना गैलरी को आप ओपन कीजिएगा और यहाँ से दोस्तों जो फोटो आपने अभी अभी आप कैप्चर किए हो उस वाली फोटो को फ्रेंड्स आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो साथियों जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मेरा फोटो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अब दोस्तों आपको इस वाले बॉक्स में क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पर सिलेक्शन करके फुल स्क्रीन में कीजिएगा। कर लेने के बाद आपको जो स्काई है इसका फ्रेंड्स यहाँ से कोरमाकी निकालना है। उसके लिए दोस्तों आपको यहाँ पे इस वाले कोरमाकी के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर गाइस आपको जो की कलर सिलेक्शन करना है वो गाइस आपका जो स्काई के कलर होगा आपको यहाँ पर सिलेक्शन कर लेना होगा। देन आपको यहाँ से ओके करके आपको इसको इनेबल कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर इनेबल करके कुछ इस तरह स्लाइड कीजिएगा तो गाइस आपका जो फोटो है सॉरी वीडियो है आपको यहाँ पर पीछे में आपको दिखने लगेंगे। अब दोस्तों इसको अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कुछ इस तरह से गाइस आपको यहाँ पर एडजस्ट करनी होगी। सबका दोस्तों यहाँ पर एडजस्टमेंट अलग अलग होगा तो गाइस आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कुछ इस तरह से आप अपने वीडियो को एडजस्ट कर लीजिएगा। एडजस्ट कर लेने के बाद दोस्तों आपको अपना वीडियो को प्ले करना है और जहाँ फ्रेंड्स कुछ इस तरह से आप जंप कर रहे हो इतना दूर तक आप आ जाइएगा। आने के बाद दोस्तों आपको इस वाला फाइल में क्लिक करना होगा और ऊपर में दोस्तों आपको जो सीजर का ऑप्शन है आपको इसमें क्लिक करके इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके बाकी का जो पार्ट है दोस्तों आपको यहाँ से हटा लेनी है। अब गाइस आपका जो वीडियो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब आपको इस वाले वीडियो में ऑडियो लगाने के लिए मैंने इस वाले वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का जो ऑडियो है दोस्तों दे के रखा है, आपको उस वाले वीडियो को दोस्तों आपको यहाँ पर अभी सिलेक्शन कर लेनी होगी। तो गाइस जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वीडियो है उसको मैंने सिलेक्शन कर लिया है। अभी गाइस आपको राइट साइड के लास्ट में जो एक्सट्रैक्ट ऑडियो का ऑप्शन है आपको इसमें क्लिक करके इस वीडियो का जो ऑडियो है दोस्तों आपको यहाँ पे निकाल लेना है और वीडियो को कुछ इस प्रकार से डिलीट कर दीजिएगा। लीजिए दोस्तों आपका जो वीडियो यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब गाइस मैं यहाँ पर एक बार ऑडियो को म्यूट करता हूँ और आपको वीडियो को प्ले करके दिखाऊंगा। तो साथियों इस तरह से आप बहुत ही आसान और इजी स्टेप को फॉलो करके आप कुछ इस प्रकार का वीडियो एडिट कर सकते हो। अब दोस्तों आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपको इस वाले शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको बस अपना फाइल को यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेनी होगी। तो भाई लोग उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर दोस्तों वीडियो इतना दूर देख रहे हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाकी चैनल पर अगर आप नए हो तो मुझे पता आपने सब्सक्राइब कर दिया है। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी न्यू वीडियो के साथ। बाय बाय टाटा नमस्कार।